कढ़ी आज बना रहे हैं। हमने एक किलो गुवारे को पानी में बॉईल करके अच्छी तरह निचोड़ कर प्लेट में निकाल लिया। एक किलो हमने चिकन लिया। हमने एक पाव ऑयल को कढ़ाई में गर्म कर लिया। अब हम इसमें दो बड़े प्याज डालते हैं। गुवारे में घी और ज़्यादा पड़ता है दूसरे सालन की नस्बत, इसमें मिर्च मसाला भी ज़्यादा डालना पड़ता है। देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन। अब हम इसमें दो बड़े टमाटर डालेंगे। अब हम थोड़ा कवर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए चाहते हैं ये टमाटर नरम हो जाए। एक 10-15 सेकंड के लिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम इसमें एक किलो चिकन डालेंगे। इसको भी हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। तो ये डालते हैं, उसको पत्थर मिक्स करते हैं। सब उसमें हम डालते हैं, इसके अंदर अभी हम थोड़ी डालेंगे, फिर दम में डालते हैं। सब उसमें डाल दिए हमने और इसको अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त को। इसका पानी ख़त्म हो गया था, नीचे थोड़ी दही भी डालेंगे। जिस तरफ हमारा कुकर चल रहा है, हम चने बॉइल कर रहे हैं। वो हमारा फ्राई हो गया, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे। हम इसको मिक्स करेंगे। कल गर्मी भी बहुत हो रही है, बाहर आंधी आ रही है। एक मिनट बाद हम इसको देखेंगे, उसमें हम गुवारे की फलियां डालेंगे जो हमने पहले बॉयल के रख दी हैं। देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया, गोश्त ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें गुवारा डालेंगे। गुवारे की फलियाँ डालेंगे जो हमने पहले बॉईल करके प्लेट में निकाल रही हैं। ये बहुत मज़े की सब्जी है, आप आलू में भी बना सकते हैं, मैरिनेट करके केले भी बना सकते हैं। जैसे हम गोश्त को मैरिनेट करते हैं, वैसे हम गुवारे की फलियाँ को भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये बहुत तरीके से बनती है, कुछ लोग बॉयल किए बगैर इसको बनाते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने बॉयल करके बनाई है। इसमें घी ऑयल या घी दूसरे समय ज़्यादा डालता है। हम अच्छी तरह इसको मसाले से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं, घी नहीं छोड़ती। ये हमारे गुवारे की फलियां चिकन के साथ रेडी हो गई हैं। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सालन ने घी छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा सालन रेडी हो गया है।
आप भी हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फिर अपने कमेंट्स में बताइएगा ये हमारा सालन कैसा बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।